तक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो एक कहानी सुनो, ना राजा की ना रानी की, ना आगवा ना पानी की, ना कृष्णा की ना राधा रानी की। सुनो आदाब, सत श्री अकाल। हम समर्पण कॉलेज के स्टूडेंट आपके लिए लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। सुनो जी, आकर इस परिवार से मिलो जी, तुम्हें मिलाए इनसे आज, देखे हम इनके भी मिजाज। तुम्हें मिलाए इनसे आज, देखे हम इनके भी मिजाज। इनसे मिलो जी, मुखिया चौधरी करण जी, घर पे चलता इनका राज, तूफानी इनका अंदाज। घर पे चलता इनका राज, तूफानी इनका अंदाज। तो जी ये है हमारा यार, देखेंगे हम ये भी आज। इनसे मिलो जी, ये है हमारे रानी के पति जी, पत्नी का रख ले कैसे ध्यान, देखने वाला है ये सवाल। आज सुनाती हूँ एक कहानी, बात नहीं बहुत पुरानी। गांव में थी एक बहुरानी, दिन भर घड़े से भरती थी वो पानी। बड़ी शयानी भरती थी वो दिन भर पानी, खाना पीना दुख भरता, कामों का साया उस पर था। वो लड़की कैसे बच पाती, गर्भवती होने पर भी दिनचर्या उसकी वैसी ही जाती, और काम वो अपना करती जाती। सुनो भाई, दिन ऐसे ढलते गए, शाम ऐसी बीतती गई। पहला दृश्य, अरे क्या हुआ? दर्द हो रहा है। मामा देखो तो रानी को ज्यादा हो रहा है। अरे क्या रखा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। जाओ बेटा दाई माँ को लेकर आओ। बाजी, हाँ चलो बेटा मैं साथ चलती हूँ। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। हाँ चलो बेटा चलो। क्या अस्पताल? कौन बोला अस्पताल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे वंश का चिराग मेरे ही घर जन्म लेगा। करण सिंह हूँ मैं, करण सिंह, चौधरी करण सिंह। किसी के आगे झुकूंगा नहीं मैं। दाई माँ व्यवस्था करो, बच्चा यहीं जन्म लेगा। बधाइयों, मुन्ना आया है। ये लीजिए बाजी, मुन्ने को संभालिए, मैं रानी को देखती हूँ। दाई माँ ये सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? अरे क्या हुआ बच्चे को? अरे ये तो ठंडा भी पड़ रहा है, अब क्या करें कुछ तो बताओ। चलो ऐसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। नहीं बेटा, पिताजी नहीं मानेंगे, आप डॉक्टर किसी को घर ही ले आओ। ठीक है माँ, मैं जल्दी से डॉक्टर को ले आता हूँ। डॉक्टर जी जल्दी चलिए, बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। हाँ चलिए।
नहीं जाती, पर अब आपका बच्चा हमारा साथ छोड़ चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना आप। माफ कीजिए मां जी। ए भगवान, तूने क्या कर दिया, मेरे पोते को बचा ले। ए भगवान। माँ जी, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की मर्जी थी। नहीं माँ जी, यहाँ यह भगवान का दोष नहीं है, यहाँ बहुत सारी ऐसी बात थी हमारे समझने वाली, ताकि ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, सब रखे भरोसा जरा यही है दुआ, सब रखे भरोसा जरा यही है दुआ। 3 साल बाद। अरे भैया, लगता है कि चौधरी करण सिंह जी के यहाँ खुशियों की महक एक बार फिर उठ रही है। चलो चलकर देखते हैं इन्होंने पिछली गलती से क्या सीखा। बच्चा है होने वाला, होगा इस घर का प्यारा, कितनी खुशियाँ बधाइयाँ सबको है मिलने वाली, ये जीवन को सबके मन को आशाएं देने वाली है। अरे क्या हुआ रानी, दर्द हो रहा है। मामा देखो तो रानी को क्या हुआ। पापा से बिना कहे। बेटा समय बदल रहा है, मैं उन्हें समझा दूंगी, अभी इसकी जान बचानी है। ठीक है माँ, हम अस्पताल चलते हैं, मैं जल्दी से जननी सुरक्षा एक्सप्रेस के लिए कॉल करता हूँ। क्या अस्पताल? अरे तुम मुझसे बिना पूछे बहू को अस्पताल क्यों ले आई? माँ जी आपका पोता तो बड़ा स्वस्थ पैदा हुआ है। सुनिए जी, गुस्सा छोड़ भी दीजिए, मान भी जाइए, देखिए अपना पोता कितना सुंदर दिख रहा है। अरे तुमने तो हमारे कुल की रीति बदल डाली। अरे चौधरी जी, इसी बदली हुई रीत के कारण ही तो आपका पोता बड़ा स्वस्थ पैदा हुआ है। अरे तुमने मुझे सारे गांव वालों के सामने झुका दिया। झुकना नहीं, समझना होगा। लाओ मुझे मेरा पोता दो, तुम नहीं संभाल पाओगी। अरे चौधरी जी, आपका पोता तो बड़ा स्वस्थ हुआ है, माँ जी इसका राज क्या है? चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। सरकार द्वारा हर गांव और शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया है, जो शिशु जन्म की पूरी तैयारी एवं स्वस्थ बच्चों के लिए अस्पताल नियोजित प्रसव को बढ़ावा देती है। क्या आपको पता है, जन्म के पश्चात परिवार एवं संबंधित सभी जानकारियों को आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज तक पहुंचाता है। क्या आपको पता है, हर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आहार, आराम और व्यवहार के बारे में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बताया जाता है। अरे क्या आपको पता है, 3 साल का अंतर अच्छा स्वस्थ माँ सुरक्षित बच्चा। क्या आपको पता है कि प्रसव के पूर्व प्रसव समय निर्धारण करने आशा कार्यकर्ता हमारे बच्चों की जान बचाती है। क्या आपको पता है, सरकार द्वारा गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जननी सुरक्षा व्यवस्था निशुल्क प्रदान की गई है, जिसे आप 108 या 104 पर कॉल करके निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अरे भैया, क्या आपको पता है, 2 वर्ष या उससे कम आयु के कुपोषित, हेपेटाइटिस, पीलिया, एनीमिया, दस्त या फिर किसी भी श्वसन संबंधी बीमारी के लिए आपके नजदीकी किसी भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क परामर्श दी जाती है,
तथा अपने करीबी एनआरसी सेंटर में भर्ती भी कराया जाता है। यह सुविधा है आप अपने किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल जैसे हमारे पीसीजेटी में भी लेके ले सकते हैं। जिसमें आहार की व्यवस्था की गई है आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा। क्या आपको पता है बच्चे तथा माँ के लिए आवश्यक टीकाकरण NM द्वारा गांव-गांव लगाया जाता है जिसकी निःशुल्क व्यवस्था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की जाती है। क्या आपको पता है अगर आप अपने वाहन द्वारा अस्पताल आते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 है। क्या आपको पता है शिशु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर गर्भवती महिला को निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जाती है। क्या आपको पता है घरेलू तथा सामान्य बीमारियों के लिए आशा कार्यकर्ता के पास औषधि किट होता है जिससे प्राथमिक उपलब्ध कराई जा सकती है। जब इस देश में रहने वाला हर एक बच्चा स्वस्थ कहलाएगा जब इस देश का हर एक बच्चा कुपोषण व दस्त व सभी प्रकार की बीमारियों से बच पाएगा जब हर एक माँ का जीवन समय रहते बच पाएगा बच्चा इस घर में आए बच्चा हर घर में आए स्वस्थ रहे बच्चे माँ की जान यही है समर्पण का अभियान। अस्पताल हम समय पर जाए सबको इसके लाभ बताए यही है हमारा अभियान। सभी को सुविधाओं का हो ज्ञान हम भी जाए तुम भी जाओ स्वस्थ सुविधा के लाभ उठाओ। स्वस्थ रहे हर एक बच्चा होगा ये देश भी अच्छा यही है हमारा अभियान। सभी को सुविधाओं का हो ज्ञान। अरे रुको जरा सबर करो मारी गलती से तमने कहीं सीखियो मारी गलती से मैंने तो सीखी लियो अब तुम भी सीखी लो जब छोरा अच्छो रहेगा जब नाम रोशन करेगो। आंसू गम के खुशियों में बदल सकते हो तो अरे क्यों ठहरे हो झील के पानी की तरह दरिया बनकर बहुत तो सही बहुत दूर निकल सकते हो तो बहुत दूर निकल सकते हो।